हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी पॉइंट रन। टुडे डिस्कस अबाउट हाइपर जियोमेट्रिक फंक्शंस, यानी कि आज जो लेकर आए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि काफ़ी स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे थे कि हाइपर जियोमेट्रिक फंक्शन को स्टार्ट किया जाए। तो हमने जो है हाइपर जियोमेट्रिक फंक्शन को स्टार्ट कर दिया है। तो जुड़ जाइए हमारे चैनल से आप, और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच जाए। जुड़ने का मतलब आप जानते ही हैं कि सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। तो देखिए, इस वीडियो में जो हम लेकर आए हैं इंट्रोडक्शन हम करेंगे। इंट्रोडक्शन में आपको बताया जाएगा कि इसमें क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी, यानी कॉन्सेप्ट आपको इस वीडियो में बताया जाएगा कॉन्सेप्ट के बारे में, जिसमें एक तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो सबसे ज़्यादा यूज होना है इसमें, वो जाता है पोछामर सिंबल। ये पोछामर सिंबल क्या होता है जी, हमने गॉस का जो मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला प्रूव किया था उसमें भी यूज किया है, और साथ ही जो लेजेंडरी डुप्लीकेशन फॉर्मूला उसमें भी यूज कर चुकी हैं। तो यानी कि इसमें वो बहुत ज़रूरी है, तो वो भी हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही हमारा जो है इसको डिफाइंड कैसे करते हैं हाई जियोमेट्रिक फंक्शन को, वो भी आपको बताया जाएगा। इसके पश्चात क्या है, आपको एक कुमार फंक्शन मिलेगा जिसी को हम कॉम्प्लीमेंट का हाइपर जियोमेट्रिक फंक्शन कहते हैं, तो वो भी आपको इसी वीडियो में बताया जाए। यानी कि मेन मेन जो कॉन्सेप्ट है हमारा, वो सब सारा का सारा आपको पहले क्लियर कराया जाएगा, फिर इसके पश्चात हम सिस्टमेटिक वीडियो अपलोड करेंगे और सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ेंगे। तो देखिए, तो हमारा जो इंट्रोडक्शन का पहला पॉइंट वो ये है कि पोछामर, यानी कि इसको आपको, ये तो आपको फॉर्मूला के तौर में याद रखना ही है, ठीक है, पोछामर सिंबल। पोछामर सिंबल क्या होता है तो ये हम पहले जानेंगे, चाहे तो इसकी डेफिनेशंस भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, डेफिनेशन, ये बहुत यूज होता है, ठीक है। ये पहली हेडिंग है, पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारा, तो इसको जरूर आप कर लीजिएगा। पोछामर में क्या है, लेट एन वी ए पॉजिटिव नंबर, इंटीजर कहें तो पॉजिटिव इंटीजर, देन देन तब पोछामर डबल एच डबल एम ई आर पोछामर सिंबल सिंबल इज डिनोटेड बाई डिनोटेड एंड डिफाइंड भी साथ में किए दे रहे डिफाइंड बाई। अब देखिए, हमारा एन जो हमने कह दिया पॉजिटिव इंटीजर है, तो पॉजिटिव इंटीजर कहा है तो यानी कि 1 2 3 इस प्रकार से। हाँ, किसी केस में आपका 0 भी शामिल हो सकता है, क्योंकि जो 0 होता है वो नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच की कड़ी होती है ना। तो किसी किसी केस में हमारा 0 भी आ सकता है, ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर कह दिया है। इसके पश्चात हम डिफाइंड कैसे करेंगे, तो डिफाइंड के लिए आपने ये फॉर्मूला जो है वो इस प्रकार से डिफाइंड किया जाता है, एल्फा एल्फा प्लस 1 डॉट डॉट एल्फा, फिर इसके पश्चात एल्फा माइनस 1, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया, ये जो हमारा फंक्शन बना है विथ, विथ भी कह सकते हैं, जहाँ पर आप जो निकलता है हमारा, विथ की इंग्लिश गलत हो रही है, विथ एल्फा 0 बराबर 1 होता है, ठीक है, यानी 0 के लिए ये होता है कंडीशन, ये होती है। इसी से आप निकाल भी सकते हैं इसका मान, जब इसका फॉर्मूला पहले डिफाइंड कर देंगे, लेकिन पहले से ही कंडीशन दे दी गई है कि ये हमारा अल्फा नॉट 0 क्या होता है, 1 होता है। तो ये जो फंक्शन बना इसी को ये हम बोलते हैं, जो अल्फा ऑफ एन है इसी को हम बोलते हैं पोछामर सिंबल। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टियाँ होती हैं, तो डिडक्शन हम इसी को सॉल्व करेंगे तो डिडक्शन मिलेंगे हमें, डिडक्शन डी है जी यहाँ पर, डिडक्शन यानी कि निर्देश है कुछ आपके लिए, ठीक है। इसमें जो फर्स्ट निर्देश आपको रखना है वो है ये कि एल्फा एन है, इसको हमने सॉल्व कर रहे हैं, इसका सॉल्यूशन करा दे रहे हैं,
एल्फा कभी आ जाए एक नंबर में तो आप प्रूव भी कर सकती हैं, एल्फा प्लस माइनस एन। ठीक है, अपने पास ये है। अब आपको करना क्या है, यहाँ से क्या करें, इसको गामा में परिवर्तित करना है। यानी पहले जो हमारा केस है वो हमारा ये है, आपने यूज भी किया है जब गॉस मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला लगा रही थी, गामा एल्फा प्लस एन डिवाइड में एल्फा, ये आपने किया। तो इसको खोलते हैं तो इस प्रकार से हमें ये प्रूफ करना है। तो ये हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी ये होती, तो हम इसको प्रूफ भी करा दे रहे हैं। तो इसमें क्या करें, हम ऊपर देख रहे हैं क्या बनाना है, एल्फा प्लस एन बनाना है, और नीचे क्या बनाना है, एल्फा बनाना। तो पहले गामा की डेफिनेशन से यहाँ पर लिख लगा दीजिए, क्या होती है, 1 2 3 डॉट डॉट कहाँ तक जाते हैं जी, एल्फा माइनस वन, ये होता है हमारा गामा का फॉर्मूला। ठीक है, इसी प्रकार से जब देख रहे हैं ये तो हमारा पूरा लिखा है, इतने से जितना जो हमने वाक किया उतना ही हम क्या कर दें, यहाँ मल्टीप्लाई कर दें, 2 3 डॉट डॉट एल्फा माइनस वन इंटू एल्फा, एल्फा प्लस वन, एल्फा प्लस एन माइनस वन। इतना तो समझ में आ गया होगा, ये हमने क्यों इसका भाग किया, क्योंकि हमें डिवाइड में क्या लाना है, गामा एल्फा लाना है। ठीक है, तो ये हमारा जो फॉर्मूला बन गया, ये किसका बन गया है, गामा किसका बन गया है, आप देखेंगे तो देखिए यहाँ से एक और आप फॉर्मूला, जब आपने पढ़ा होगा गामा फंक्शन, तो आपके लिए एक फॉर्मूला होता है गामा पी बराबर पी माइनस वन गामा पी माइनस वन। तो यहाँ से आपको जो ये पद होता है वही यहाँ पर कितना है, एल्फा प्लस वन है, एल्फा प्लस एन है ना, और यहाँ पर माइनस वन, यानी कि जो ये पद पूरा आएगा यही हमारा क्या बन जाएगा, गामा के रूप में बन जाएगा, है ना। तो इसी को हम क्या कह सकते हैं, हमारा ये क्या बन गया, गामा एल्फा प्लस एन, और ये फॉर्मूला किसका बन गया, जो यहाँ पर रहता है वो बन गया हमारा गामा एल्फा। तो इस प्रकार से जो है हमारा एल्फा एन जो है एल्फा एन, ये जो प्रॉपर्टी है वो इस प्रकार से सॉल्व हो गई। बहुत यूज होती है ये प्रॉपर्टी। इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, एक प्रॉपर्टी हमारी कौन सी होती है, ये प्रॉपर्टी होती है। तो इसका भी आप प्रूफ आसानी से कर सकती हैं, जी एल्फा लिखा है इसका फॉर्मूला, उसी के अनुसार खोलेंगे ये वाला फॉर्मूला जो अभी हम जानते हैं, पोछा मार जो हमारे सिंबल होता है उसके अनुसार, एल्फा एन बराबर क्या हमने पढ़ा है, एल्फा इंटू एल्फा प्लस वन डॉट 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 एल्फा प्लस एन माइनस वन। तो यानी कि हमें एन माइनस वन यहाँ पर कितना है, एल्फा प्लस वन है, तो यहाँ पर क्या खुलेगा अपना, यहाँ पर खुलेगा एल्फा प्लस वन, एल्फा प्लस यहाँ पर कह सकते हैं टू, है ना, डॉट डॉट कह सकते हैं, इसी प्रकार से एल्फा प्लस वन, और जो क्या है यहाँ पर एन माइनस वन प्लस एन माइनस वन, ये बन जाएगा फॉर्मूला हमारा। ठीक है, इतना बन गया। तो हमारा ये क्या है, हम तो इसको प्रूफ करना है, ये हमने इसका फॉर्मूला खोला है। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं ये वाला लिख सकते हैं, यहाँ पर इसका फॉर्मूला खोला है। ठीक है, ये है। अब इतना आ जाने के पश्चात, ठीक है, ये हमने इस प्रकार से ये फॉर्मूला खोल लिया। ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिए, हमने क्या चाहिए, ये इसके बराबर में लाना है। तो हमारे पास ये क्या है, एल्फा एन प्लस वन है। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या करें, यहाँ से ये जानते हैं फॉर्मूला, यहाँ पर एन है, जब एन है तो ये तो अपना सिस्टम रेट एक बढ़ रहा है, जब एन वा पद आया था तो एन आया था यहाँ पर, माइनस वन आया, जब यहाँ पर एन प्लस वन है तो यहाँ पर क्या आएगा, वन प्लस एन आएगा, और माइनस वन है ही ऑलरेडी पहले से, तो इसी अनुसार हमने ये लिखा। अब देख रहे हैं हम क्या कर सकते हैं, इतनी राशि ये हमारी क्या है, इसका फॉर्मूला खोल दिया हमने, तो देख रहे हैं जी हम बाहर कर सकते हैं, इसलिए हमने पहले से बाहर रख दिया था। तो इतना बनेगा एल्फा प्लस वन एल्फा प्लस टू डॉट डॉट, जी हम इसके साथ में ले सकते हैं, नहीं ले सकते वन को, जी हमने ले लिया इसके साथ में प्लस का एन माइनस वन। तो अब जी उसी तुलना करेंगे हम, तो एन माइनस वन वन किसका बन गया जी, हमारा फॉर्मूला जी हमारा बन गया एल्फा एन प्लस वन, यहाँ से एल्फा ये किसका बन गया है, ये देखें तो आपका ये बन जाएगा एल्फा प्लस वन का होल एन। ठीक, तो आप जो है इस फॉर्मूले को भी काफ़ी जगह यूज होगा, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। सिंपली है, सिंपल है, एल्फा प्लस वन है तो ये वन अंदर कर देंगे और एन रखने देंगे, और एक एल्फा है तो एक एल्फा को बाहर कर देंगे, ये आसानी से याद कर सकते हैं। इसी प्रकार से थर्ड जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत यूज होगा। एक और होता है हमारा ये वाला,
इसको भी रख लीजिए यार, एल्फा प्लस एन, एल्फा एन, ये जो बराबर में होता है हमारा जी, एल्फा एन प्लस वन के होता है। तो इसको भी देख लीजिए, जब जी एल्फा प्लस वन होता है इसको बराबर में रख सकते हैं, तो यहाँ से भी आप एक केस बना सकती हैं। लेकिन हमें जो है इतना लाना, तो हम क्या करेंगे, इस पद को ले लेते हैं, है ना। तो इस पद को ले लेंगे, तो ले लेंगे आर एच एस, सॉरी एल एच एस साइड लेंगे, तो एल्फा प्लस एन, एल्फा एन, ठीक है। इसको लिया तो इसको अनुसार ये फॉर्मूला हम यहाँ पर रख देंगे, तो एल्फा प्लस एन यहाँ पर क्या आ जाएगा देखेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा आपका, यहाँ से आपका ये तो इतना रखा है, इसका फॉर्मूला खोलेंगे तो क्या बनेगा, एल्फा, इसको यहाँ पर ये वाला ब्रैकेट लगा देते हैं, एल्फा प्लस वन डॉट 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 एल्फा प्लस एन माइनस वन, ठीक है। ये खोलिए, इसको हम इसके पीछे लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते हैं, एल्फा प्लस वन इंटू डॉट डॉट एल्फा प्लस एन माइनस वन, और यहाँ को हम यहाँ इसको ऐसा लिख सकते हैं, एल्फा प्लस एन, इतना लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देख रहे हैं जो एन प्लस वन का बनाना है हमें, तो बना लेंगे, बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, एल्फा इंटू एल्फा प्लस वन डॉट डॉट एल्फा प्लस एन माइनस वन। यहीं से आपको पता चल गया, जैसे हमने ये प्रूव करना था, हमें क्या बनाना पड़ेगा, वन प्लस एन बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या करना है, जो एल्फा प्लस एन प्लस एक जोड़ देंगे और एक घटा देंगे, तो ये पूरा क्या बन गया हमारा, एन प्लस बन गया। तो यहाँ से आप देखेंगे तो ये क्या है, एक बार एक स्टेप और लिख लीजिए, लिखना चाहें तो एल्फा प्लस एन माइनस वन, यहाँ से एल्फा प्लस एन प्लस वन माइनस वन, ठीक है। तो ये फॉर्मूला जो है हमारा, वही तो बन गया जो यहाँ पर खोला था, पूरा का पूरा फॉर्मूला नहीं बन गया है, तो यही तो हमारा एल्फा एन प्लस वन का फॉर्मूला होता है। तो कह सकते हैं ये किसकी आ गया हमारा, एल्फा एन प्लस वन की, अतः कह सकते हैं एल्फा प्लस, यदि कहीं पर एन मिल जाए इस प्रकार से जी मिल जाए, तो हम लिख सकते हैं एल्फा एन प्लस वन। इन तीनों फॉर्मूला का आप जो है अच्छे से याद रखिएगा, बहुत यूज होगा आगे जाके आगे। तो अब जो हमें एक और, अभी इसके पश्चात जो हमें नेक्स्ट स्टेप करना है कि हमें हाइपरजियोमेट्रिक फंक्शन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो आइए जान लेते हैं रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, फिर हम जानेंगे हाइपर जियोमेट्रिक और जो सीरीज होती है उसके बारे में। तो देखिए, जनरल हाइपर जियोमेट्रिक फंक्शन, हाइपर जियोमेट्रिक का फंक्शन अभी हम बताएंगे, इसका अर्थ क्या होता है, क्यों ये हाइपर जियोमेट्रिक फंक्शन को कहते हैं, ठीक है जी। अभी हम बताएंगे, जब हाइपर जियोमेट्रिक सीरीज पढ़ेंगे वहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसमें हम जानेंगे कि जो हाइपर जियोमेट्रिक फंक्शन रहेगा उसको डिफाइंड कैसे करेंगे, प्रदर्शित कैसे करेंगे, ये हम जानेंगे। तो देखिए, इसको किसमें, जनरल के लिए है ये, ठीक है, द जनरल हाइपर जियोमेट्रिक, हाइपर जियोमेट्रिक फंक्शन इज डिनोटेड बाई, डिनोटेड और साथ में डिफाइंड भी कर रहे हैं हम, तो डिफाइंड भी लिख सकते हैं, डिफाइंड बाई, देखिए हम इसको डिफाइंड इस प्रकार से करते हैं, जो हमारा इन जनरल के लिए है, ठीक है, एफ एन, यदि हमारा एम का मान 2 ले लेंगे, यहाँ पर 1 रख देंगे, यानी कि जिस टर्म में हमें दिया रहेगा, तो एम एन के मान बदल बदल करके हम उन फंक्शन को बना सकते हैं, ठीक है। यानी कि जो है हमारा जो जनरल के लिए है, ठीक है, तो यहाँ से हमारा फॉर्मूला जो बनता है, इसको एम एफ एन सपेक्स में, फिर यहाँ पर लिखा जाता है एल्फा वन एल्फा टू डॉट डॉट एल्फा एम, ठीक है। इसके पश्चात जब जीने पड़ जाता, फिर यहाँ से स्टार्टिंग बीटा के लिए भी की कर देते हैं, जितने फंक्शन हमें दिए रहते हैं सवाल में, दिया रहेगा जी किस प्रकार से डिफाइंड है, तो इसमें कोई कठिनाई वाली बात नहीं है। देखिए, और यहाँ पर विभिन्न विभिन्न बुक्स में रहेगा, कहीं कहीं पर एक्स भी हो सकता है, जेड भी हो सकता है, तो आप किसी से भी फंक्शन को डिफाइंड कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो हम जो डिपेंड कर रहे हैं वो जेड के लिए कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, जेड के लिए, ठीक है। इस प्रकार से बराबर हो जाएगा समेशन आर बराबर वन से, क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट एल्फा वन
आर, एल्फा टू आर, इसी प्रकार से डॉट डॉट एल्फा एम आर, ठीक है, डिवाइड में यहाँ पर बीटा के लिए वैसे ही डिफाइन करेंगे, जो यहाँ पर रहता है उसे हम ऊपर लिखते हैं और जो नीचे बाद में रहता है उसे हम डिवाइड में करते हैं, तो वही आप ध्यान में रखिएगा, एल्फा आर बीटा आर, इसी प्रकार से बीटा एन आर, ठीक है। अब यहाँ पर जो है जेड दिया है, तो अगला जो आएगा जेड की पावर यहाँ पर हम ले लेते हैं आर, और यहाँ पर जो लेते हैं वो आपका जो है रहता है जेड, जो क्या बोलते हैं आर, जितनी पद होंगे हमारे वो फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये जो फंक्शन बना इसी को ही हम बोलते हैं जनरल हाई ज्योमेट्रिक फंक्शन, इस प्रकार से डिफाइंड किया जाता है, ठीक है। तो एक बार फिर से समझ लीजिए, हमारा फंक्शन जी आपको डिफाइन रहेगा, यानी सवाल में दिया रहेगा कि एल्फा कहाँ तक है और बीटा कहाँ तक है, ठीक है, ये आपको दिया रहेगा। फिर आपको जो इस प्रकार से ये रहता है, ठीक है, किसी किसी में आपको कहीं कहीं पर आपको तीन वेरिएबल देंगे, तो तीन देंगे तो दो ऊपर रहेंगे एक नीचे रहेगा, वो अभी आगे आपको पता सब चल जाएगा, एक एक चीज़ आपको बताएंगे क्या क्या इसमें होना है, ठीक है। तो इस प्रकार जो ये फंक्शन आया इसी को ही हम बोलते हैं जनरल हाई ज्योमेट्रिक फंक्शन। इसमें थोड़ा और हम चाहें तो रिप्रेजेंट एक तरीका और होता है करने का, द जनरल हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन इज आल्सो, एक तरीका और होता है रिप्रेजेंट करने का, डिनोटेड बाय, इसको ऐसा भी हम इन जनरल के लिए कर सकते हैं, एम एफ एन। अभी हमने कैसा किया इस छोटे कोष्टक में किया, तो हम इसको इस फॉर्म में भी कर सकती हैं, कैसे, एल्फा एन, इससे आपको और क्लियर हो जाएगा, एल्फा थ्री डॉट डॉट एल्फा एम, इसी प्रकार से देख रहे हैं, ये ऊपर है तो ऊपर लिख दिया, ये नीचे है तो यहाँ पर बीटा वन बीटा टू बीटा थ्री डॉट डॉट बीटा एम, यहाँ पर आर भी कर लेंगे क्योंकि आर तक भी जनरल जा सकता है हमारा, ठीक है, चलो रहने देते हैं, नहीं करते हैं तो, ठीक है। तो ये हमारा जो आ गया इतना, अब जो वेरिएबल जो रहेगा वो बीच में रख देंगे हम, तो इस प्रकार से भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, एक तरीका ये होता है, तो आप जिसको जिससे करना चाहें कर सकते हैं डिफाइन। तो और एक बात और, यहाँ पर आप जब यहाँ पर सीरीज पढ़ रहे हैं तो, लेकिन जनरली कहा तो नहीं जाता कि आप मिस्टेक, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता नंबर पर, लेकिन ये आपने अक्सर फोकस किया होगा कि जो कोई जनरल इन जनरल तक कोई चीज़ चल रही है, जैसे वन प्लस टू प्लस थ्री डॉट डॉट, कई डॉट डॉट लगा देती हैं, नहीं लगा देती हैं तो कई नहीं लगाए जाते हैं, इसका जो स्पेशल तरीका होता है आपको जो शुद्ध लिखना होता है, तो इस प्रकार से लिखा जाता है जी, मैं छोटी छोटी बातें बताता रहता हूँ ताकि आप जो यदि ये भविष्य में टीचर बनेंगे तो बच्चों को सिखाएंगे, तो पहले तो जो जनरेशन आएगी वो अच्छे से बढ़ेगी, तो है ना, तो आपको इसलिए मेरा इम्पोर्टेंट कुछ नोट भी बता देता हूँ, जो कि अक्सर त्रुटियाँ होती रहती हैं, ये कई डॉट लगा देते हैं, अक्सर देखा होगा आपने, तो यहाँ से क्या है, आप इसका मतलब हमें कई डॉट नहीं लगाना है, कितने लगाना है, ओनली थ्री लगाना है, थ्री इनका मतलब होता है, डॉट्स भी मतलब होता है, ये क्यों लगाते हैं, है ना, ये तीन डॉट का मतलब होता है एंड सो ऑन, यानी कि इसी प्रकार से ये बढ़ती चली जाएगी, आप कई लगा देते हैं तो आप कई में क्या हो जाएगा, क्या पता कहाँ तक है ना, तो ये तरीका जो है जो गलत माना जाता है, ठीक है, ये सही है, लेकिन आज के दौर पर ये है ये चलने लगा है अब, तो कोई दिक्कत इसमें भी नहीं है, कोई दिक्कत इसमें नहीं, लेकिन यदि आप पहले से शुद्ध लिखते हैं तो बहुत ही बढ़िया बात है ना, इसी प्रकार से जी हमारा फंक्शन जो है इस प्रकार से ये डिफाइंड होगा। अब जो आते हैं, अब आपको सीरीज के बारे में बता देते हैं, ठीक है, फिर एक टॉपिक और, फिर इसके पश्चात नेक्स्ट वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे, इस जो टॉपिक में आपको सीरीज के बारे में डिस्कस किया जाएगा, यहाँ से आप देख रहे हैं कन्फ्लुएंट हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन, इसी को बोलते हैं कमर फंक्शन, कुमार फंक्शन, यानी कुछ भी पढ़ सकते हैं, कुमार फंक्शन, इसमें क्या होता है, आपको पहले तो हाइपर ज्योमेट्री इसे क्यों कहते हैं इसलिए हम इसमें बता देते हैं, देखिए आप जो इतना शब्द इसको विकसित करेंगे तो ये आपका ज्योमेट्रिक है, और ज्योमेट्रिक सीरीज आपने पढ़ी होगी, क्या होती है, जीपी सीरीज आपने इंटरमीडिएट में पढ़ी होगी 12वीं क्लास में, तो ये होती है, उसका जो रेशियो होता है वो कैसा होता है,
इक्वल रहता है। अब प्लस भी हो सकता है इसमें, कुछ भी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, या ऐसा भी डिफाइंड कह सकते हैं, सीरीज के रूप में बना दी तो सम हो गया ए आर, यहाँ पर ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब डॉट डॉट इस प्रकार से, ठीक है। तो ये जो सीरीज होती है वो जीपी हो जाती है जब इसमें कुछ कॉफिशियंट लगा देते हैं, यानी कई सीरीज उसमें मिक्सित हो जाए गुणन के रूप में या किसी में, तो उसे हम हाइपर कहने लगते हैं। हाइपर का मतलब होता है अत्यंत या अति, जैसे आपने परवलय पढ़ा होगा और अति परवलय पढ़ा हुआ है ना, तो इसी में पैराबोला पढ़ा होगा तो वो हो गया परवलय, और हाइपरबोला पढ़ा होगा तो वो अति परवलय। इसी प्रकार से जो है ज्योमेट्रिक है हमारा जो जीपी सीरीज से रिलेट करता है, लेकिन उसमें कुछ ऐसे कोएफिशिएंट जुड़ जाते हैं इसी कारण उसे हाइपर ज्योमेट्रिक कहने लगते हैं। बस ये है चैप्टर का सार, यानी कि पूरे जो हमारा पेपर रहेगा यानी पूरा टॉपिक जो है वो ज्योमेट्रिक सीरीज पर ही आधारित है, के लेकिन स्पेशल केस में, बस ये है इसका मेन बात। तो आइए समझ लेते हैं जी, कॉन्फिलियंट हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन या कुमार फंक्शन क्या कहती है, किसे कहते, किस प्रकार से डिफाइंड होता है देखते हैं। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज लिखा रहे हैं आपको, कन्फ्लुएंट हाइपर हाइपर जियोमेट्रिक फंक्शन इज डिनोटेड बाय, हमने इन जनरल के लिए ये फॉर्मूला लिखवाया था, इस फॉर्म में डिनोटेड कहती हैं। तो जो हाइपर जियोमेट्रिक फंक्शन होता है कुमार थ्योरम्स कहती हैं, वो कहती हैं कि दो फंक्शन के लिए है, यानी कि हमारे फंक्शन जो टोटली हैं वो 2f1, ठीक है, एल्फा, जो एल्फा होता है मैंने बताया था जो सबएक्स में रहता है उसके लिए, और जो 2 रहता है वो अगले के लिए, यानी कि जो 2 डिवाइड में कितने रहेंगे, 2 रहेंगे, यानी पहला या दूसरा कह सकते हैं, यानी कि कह सकते हैं जो बीटा सेमी कोलन एक्स, तो ये होता है। या इसको ऐसे भी हम पैदा ऐसे सीधे सीधे भी कर सकते हैं, इसको नहीं दिखाना है तो एल्फा बीटा, ठीक है, और एक्स जेड, क्योंकि जेड के लिए बात कर रहे हैं हम तो जेड यहाँ पर लिख देती हैं, तो जेड, ठीक है। अथवा एक तरीका और है, इसको तीन तरीके से कुमार थ्योरम पढ़ रहे हैं तो यहाँ से आपको ऐसा भी आप डिनोटेट कर सकते हैं, ठीक है। एम लिया है तो हमने यहाँ पर सेमी कॉलन नहीं लगाया, इसमें और उसमें अंतर होता है ना, तो इसका भी विशेष ध्यान रखें, इसमें छोटी छोटी बात है ये आपको रखना है। एंड अब इसको डिफाइंड कैसे कर दिए, तो रही आपको डिनोटेड कैसे कर दें, अब इसे डिफाइंड कैसे करना है, यानी तो हम वो डिफाइंड भी देख लेते हैं। एंड इज डिफाइंड बाई, देख लीजिए समझ लीजिए एक बार फिर से, यदि कोई कन्फ्यूजन आ रही हो तो देखिए, कन्फ्लुएंट हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन इज डिनोटेड बाई इस प्रकार से, यानी उन्होंने बताया जो एल्फा बीटा के लिए बताई सीरीज, ये सीरीज जो रहेगी हमारी एल्फा बीटा में रहेगी, ठीक है, और वो जेड के रूप में फंक्शन रहेगा, देन तब जो हमारा जो फंक्शन बनेगा उसी को हम बोलते हैं कुमार फंक्शन या कॉन्फ्लुएंट हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। इसको डिनोट तीन प्रकार से कर सकते हैं, तो कैसे यहाँ पर भी जेड लिख लीजिए, एंड इसे डिफाइंड कैसे करेंगे, अब इसको हमने प्रदर्शित कर दिया इससे करना, लेकिन डिफाइंड कैसे करना है तो देखते हैं नेक्स्ट पेज में। देखिए, तो हमने फॉर्मूला इन जनरल के लिए लिखाया था, तो हमें दो के लिए लिखना है, तो आप आसानी से लिख सकते हैं, वो कैसे लिखेंगे, एल्फा सेमी कॉलन बीटा सेमी कॉलन जेड, तो क्या बनेगा हमारा, इन जनरल के लिए लिखा था तो आर बराबर 0 से इनफाइनाइट, ठीक है, फिर क्या था यहाँ पर एल्फा 1 एल्फा 2 ऐसा चल रहा था, लेकिन हम जो एक ही है हमारा, तो एल्फा एक ही हो जाएगा सापेक्ष में आर, इसी प्रकार से बीटा सापेक्ष में आर, जी डिवाइड में आता है मैंने बताया था ही जेड की पावर आर, इसी प्रकार से जो आर फैक्टोरियल, ये जो फंक्शन है वो इस प्रकार से बन गया। अब चाहे तो आप इस सीरीज को खोल सकते हैं, इस सीरीज को खोलेंगे तो आपको देखते हैं कैसे मिलेगा, एल्फा बीटा जेड, इसको खोलेंगे तो देखिए, जब 0 रखेंगे एल्फा ऑफ 0 का मान क्या होता है, 1 होता है, जेड की पावर 0 का मान 1 होता है, इसका मान 1 हो जाएगा, इसका मान फैक्टोरियल 1 का मान 1 हो जाएगा, यानी कि जो हमारा पहला पद आएगा वो 0, अब चूंकि समेशन है तो समेशन का क्या हो जाएगा, प्लस साइन हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसी प्रकार से हम जो है नेक्स्ट रखेंगे, तो नेक्स्ट रखेंगे हम क्या, 1 रखेंगे तो एल्फा 1 मिलेगा, यानी कि एक ही पद मिलेगा, ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर भी मिलेगा, लेकिन हम ये गुणा में भी लिख दें कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर जेड अपॉन इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है,
इसी प्रकार से नेक्स्ट, अब इसमें आपको है ना साथ साथ दो कोफिशियंट भी चलते हैं। यहाँ पर विशेष ध्यान रखने वाली बात ये है, यहाँ पर क्या बनेगा हमारा, एल्फा टू बनेगा, क्या बनेगा एल्फा टू, और यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर बीटा टू, जेड स्क्वायर टू फैक्टोरियल नहीं बनेगा, ये बनेगा। इसी प्रकार से अगले पद तीन डॉट लगाएंगे। अब इसको आप थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं, आप एल्फा एन का फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है गामा एल्फा प्लस एन गामा एल्फा, तो एल्फा एन बराबर एल्फा टू बराबर क्या मिल जाएगा, गामा एल्फा प्लस टू डिवाइड में क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे तो गामा एल्फा। इसको आप खोल भी सकते हैं, नहीं खोल सकते हैं तो इसको खोल देंगे तो हमारा जो है इसको खोल दीजिए आप, प्रॉपर्टीज क्या खुल जाएगा, दो बार खुल जाएगा, एल्फा एल्फा प्लस वन गामा एल्फा, घातीय क्रम से कम होती जाती हैं गामा एल्फा, इससे जी कट जाएगा तो हमारा क्या आ गया, वो इसकी जगह पे इसी प्रकार से बीटा का खुल जाएगा। तो यानी कहने का मतलब ये है, तो हम इसको इस फॉर्म में भी लिख लिख सकते हैं, ठीक है, जेड बराबर तो ये वन प्लस एल्फा बटे वन इंटू बीटा जेड प्लस एल्फा एल्फा प्लस वन डिवाइड में, यहाँ पर चाहें तो आप इसी को लिखेंगे तो बीटा बीटा प्लस वन टू फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, वन इंटू टू लिख सकते हैं, इसी प्रकार से जेड स्क्वायर प्लस, इसी प्रकार से सीरीज चलती जाएगी एंड सो ऑन, ठीक है। ये इस प्रकार से हम जो इस प्रकार जो सीरीज बनती है इसी को ही हम जो कह देते हैं कॉन्फिलियंट हाइपरजियोमेट्रिक सीरीज भी कह देते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम जो मेन टॉपिक है हमारा हाइपरजियोमेट्रिक फंक्शन, ये क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। चूंकि हाइपर है इसलिए हमने हाइपर फॉर्म में लिख दिया, यानी कि अच्छे अच्छे अक्षरों बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिया है, तो आप इसको जान लेते फिर इसके पश्चात जो है हम वीडियो को हो सकता है समाप्त करें, जो कि अभी वीडियो जो है वो 27 मिनट समथिंग हो चुका है, तो उसको हम नेक्स्ट आने वाले वीडियो में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो देखिए हाइपर जियोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, जो हमारी ये सीरीज बनी ये भी हाइपर जियोमेट्रिक है, लेकिन ये स्पेशल केस दो केस के लिए है, हो सकता है किसी अन्य में भी आपको बनाया जा सकता है, एल्फा पीटा गामा में भी दे दिया जाए, तो वहाँ पर भी आपको इन जनरल के लिए मैं बता ही चुका हूँ कि फॉर्मूला हमारा इन जनरल के लिए क्या होता है। देखिए इन जनरल के लिए हमारा ये फॉर्मूला होता है, तो आप कितना भी बना सकते हैं, ठीक है। तो अब चूंकि क्या है, अब स्पेशल बुक में हम जो अध्ययन करेंगे उसके अनुसार हाइपर जियोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है आप वो जान लीजिए। देखिए हाइपर जियोमेट्रिक फंक्शन, हाइपर जियोमेट्रिक फंक्शन फंक्शन इज डिनोटेड बाय, वही है जो कुमार में हमने किया है उसी प्रकार से इसको भी डिनोटेड करती हैं, लेकिन फर्क इतना है, वो फर्क क्या है ये आप समझ ही गए होंगे, यहाँ से इसमें जो था अल्फा बीटा था, इसमें तीन वेरिएबल आ गए हमारे, यानी तीन जो कोफिशेंट आ गए अल्फा बीटा गामा, ठीक है। अथवा इसी को सिंपली लिख सकते हैं हम, इसके भी तीन तरीके वही हो सकती हैं, एफ एल्फा बीटा गामा इसी प्रकार से जेड, ठीक है। देखिए और आप इसमें कन्फ्यूजन मत होइएगा, क्या है किसी किसी में आपको ये ए बी सी के रूप में किसी बॉक्स में मिल सकती हैं, यहाँ पर ए लिखा हो बी लिखा हो सी लिखा हो, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप ए बी सी से लगाइए या एल्फा बीटा से लगाइए या कुछ अन्य वेरिएबल से लगाइए, है ना, ये तो इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं लानी है, ठीक है। ये आपको बदल सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन तरीका आपको समझना क्या होगा, ठीक है। तो इसमें जो हम इस प्रकार से डिनोटेड करते हैं एंड, अब इसको डिफाइंड कैसे करेंगे, एंड डिफाइंड वाई, अब इसको डिफाइंड करने का तरीका क्या होता है, मैंने क्या बताया था, जो मैंने कॉन्सेप्ट में बताया वही लगना है। देखिए गामा जेड फॉर्मूला क्या था हमारा, समेशन आर बराबर 0 से इनफाइनाइट, ठीक है, फिर था एल्फा आर, मैंने क्या बताया था, जे जो हमारा लास्ट में रहेगा वो डिवाइड में रहेगा, बाकी जो है वो ऊपर रह जाएंगे, ठीक है, यानी कि बीटा आर जेड की पावर आर, और जो हमारा ये है ये नीचे चला जाएगा, गामा आर आर फैक्टोरियल, बस इतना है, ये है हमारे, यही कहलाती है हमारी हाइपर जियोमेट्रिक सीरीज।
अब इसको हम चाहें तो हम इसको निकाल सकते हैं, ये जियोमेट्रिक सीरीज है या नहीं है। देखिए हम सिंपली इसको निकाल भी सकते हैं। इसको पहले तो आप इस फॉर्म में लिख दीजिए, तो आप इसको लिखेंगे तो कैसे लिखा, वैसे ही लिखना है। अब चूंकि यहाँ वो था एल्फा बीटा और गामा एक पद ही तो बड़ा है, तो आप आसानी से इसमें मान रखेंगे, तो आप सीरीज खोल सकते हैं एल्फा बीटा गामा जेड। ठीक है, इसको खोलेंगे तो आप देखेंगे तो क्या मिलेगा, वन था पहले वन मिलेगा, यहाँ से दूसरा पद मिल जाएगा आपको एल्फा बीटा डिवाइड में वन इंटू गामा जेड प्लस, इसी प्रकार से एल्फा एल्फा प्लस वन, और इसका खोलेंगे तो बीटा बीटा प्लस वन जेड की पावर दो, इसी प्रकार से गामा गामा प्लस वन, फिर यहाँ पर टू फैक्टोरियल, इसी प्रकार से डॉट डॉट, तीन डॉट ही लगाना है। ठीक है, इस प्रकार से ये हम कह सकते हैं इसको इक्वेशन हमने जो ये जो इक्वेशन वन से फर्स्ट से सेकंड। अब इसमें यदि हम इनका बीटा का मान क्या रख दें, एल्फा का मान वन रख दें और बीटा बराबर हम गामा रख दें, तो देखते हैं क्या मिलेगा, हमें एक स्पेशल केस बन जाएगी सीरीज, देखते हैं। तो पुट कर देंगे हम यहाँ से, क्या कर देंगे, पुटिंग कर देंगे, पुटिंग एल्फा बराबर वन एंड बीटा बराबर गामा, इन केस में सेकंड में रख देंगे। तो आप जब आप रखेंगे ना उसमें, तो आपको क्या है वो सीरीज इस प्रकार से मिलेगी। हम क्या रख रहे हैं, वन उसमें रख रहे हैं और वो तो एल्फा बराबर वन रख रहे हैं, तो चाहे तो एल्फा बराबर वन ऐसा भी प्रदर्शित कर सकते हैं, बीटा बराबर गामा इंटू जेड, इसको ऐसा भी दिखा सकते हैं, हमने मान रख दिया तो ये बन जाएगा फंक्शन। इसके पश्चात जब आप रखेंगे उसमें, तो वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स क्यूब प्लस डॉट डॉट, ये बनेगा आपको इस प्रकार से, ये बना। तो आप ये जानते हैं यही तो हमारी जियोमेट्रिक सीरीज होती है, नहीं होती है, इसलिए जो है अब इसमें आपने जब सब्स्टिट्यूशन किया तो आपको स्पेस तुरंत पता चल गया कि ये क्या है, जीपी सीरीज है। क्या है ये, जीपी सीरीज है, इसलिए हम इस पर पूरी सीरीज जो फंक्शन है उसे हाइपर जियोमेट्रिक फंक्शन कहते हैं। तो कह सकते हैं विच इज ए जियोमेट्रिक सीरीज सीरीज अब सिंस जो हमारी दो इक्वेशन थी, रिड्यूस टू ए, क्या कर सकता है, जीपी सीरीज बना रहा है, यानी जो हमारी दो दूसरी इक्वेशंस थी कौन सी, ये वाली, तो ये क्या बना रही है, हमारी जीपी सीरीज बना रही है। देन तब कह सकते हैं जीपी सीरीज सीरीज एज ए पार्टिकुलर केस, पार्टिकुलर केस सेकंड। ठीक है, तो सेकंड इज कॉल्ड, क्या कहेंगे, जो सेकंड इक्वेशन है, सेकंड इज कॉल्ड हाइपर हाइपर जियोमेट्रिक सीरीज। ठीक है, हाइपर जियोमेट्रिक सीरीज, इसलिए हम इसको बोलेंगे हाइपर जियोमेट्रिक सीरीज। ठीक है, अब यहाँ से आप ये चाहें तो इसका एक और लिख सकते हैं, वो क्या है, आप वो यहीं से आपको डिफाइन करके बता रहा हूँ, देख लीजिए यहाँ से, देख लीजिए हमने देखा कि यहाँ पर वन आया, वन फैक्टोरियल आया, यहाँ पर टू फैक्टोरियल है, तो आप फैक्टोरियल खोल लेंगे तो एक इक्वेशन और मिल जाएगी, तो उसकी यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चाहे फैक्टोरियल लिखिए चाहे इसको सॉल्व तो करना ही है आपको, तो आप फैक्टोरियल में ही लिखे रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले से फैक्टोरियल खोल लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अब हमें करना क्या है, अब जान लेते हैं हम हाइपर जियोमेट्रिक फंक्शन किसे कहते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट इसी में हम देख सकते हैं, एक नोट के तौर पर लिख लिख लें तो ठीक है, तो कह देंगे हाइपर, यहाँ पर जो हमने एक्स एक्स लिया है इसको आप जेड में कर लीजिए, क्योंकि अभी हम कुछ पहले से एलजेब्रा उसमें पढ़ के आए हैं, तो बार बार ये रियल में लिख जाता है, आप जेड क्यू इस प्रकार से जेड के फॉर्म में लिख लीजिए, क्योंकि जेड के लिए हमने लिया है। ठीक है, हाइपर जियोमेट्रिक फंक्शन एफ, अब इसको आप चाहे एल्फा बीटा में दिखा दीजिए चाहे एबीसी में, तो हम जो फंक्शन है वो एबीसी में दिखा सकते हैं, ताकि थोड़ा डिफरेंस रहे आपकी उसमें, कैन वी पुट इन दी
फॉलोइंग डिफरेंट फॉर्म, यानी कि जब आप इसमें कुछ टर्म्स में रखेंगे तो आपको एक फंक्शन मिलेगा, वो अब आगे आपको वीडियो आएंगे उसमें प्रूफ आपको कराया जाएगा। अभी तो हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं ना, तो इसमें हम जो है वो इस प्रकार से भी डिफाइन कर सकते हैं, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा जेड, तो वो क्या होता है, 1 माइनस का जेड सी माइनस ए माइनस बी एफ, यानी मॉडिफाई कर लिया जाता है सी माइनस बी सी जेड। ठीक है, इसी को थोड़ा और लिख सकते हैं, 1 माइनस का जेड तो पावर माइनस का ए एफ बी सी माइनस ए जेड अपॉन जेड माइनस वन। ठीक है, तो ये आपको क्या करना है, ये इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, ऐसा भी लिखा जा सकता है, ये कैसे लिखा जाता है आगे वाले वीडियो में आपको कराया जाएगा। तो फिर मिलते हैं, आशा करता हूँ आपको जो इतने हमने जो इम्पोर्टेंट नोट बताए हैं वो आप सबको कंठस्थ रखना है, याद रखना है, ताकि आप जो छोटे छोटे चीज़ें हैं उन्हीं से आप जो है कठिन से कठिन सवाल लगाए जा सकते हैं ना, तो बेस हमारा मौजूद वैसे भी होना चाहिए। तो अब जो आगे हमें क्या करना है, हाई सॉल्यूशन ऑफ हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन का सॉल्यूशन देखेंगे, जो हमने अभी हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन करा उसका सॉल्यूशन नेक्स्ट आने वाले वीडियो में, कुमार थ्योरम भी करेंगे, गॉस थ्योरम भी करेंगे, जो कि अक्सर क्वेश्चंस आती रहती हैं। इसी के साथ आपको क्या है, एक इंट्रीगल ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन फॉर्मूला होता है उसको भी प्रूव कराएंगे हम क्रम बाई क्रम वीडियोज में। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो, यदि ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। तो ठीक, धन्यवाद।